पिछले बीते सालों में मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था पे बहुत गिरावट लाई है और इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। अर्थशास्त्रियों के तन से बचने की कोशिश भी सरकार पूरी तरह कर रही थी, पर नए दशक के शुरू होने के साथ ही बजट सत्र, जो साल का पहला सत्र है, वो भी शुरू हो गया है और सर्वे के मुताबिक आंकड़े पेश किए जाएंगे संसद में। जैसा कि हमने आपको सूचित किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज संसद में वर्ष 2019 से 2020 का इकोनॉमिक सर्वे, या कहा जाए आर्थिक सर्वेक्षण, पेश कर दिया है। इस सर्वे रिपोर्ट में देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कई अहम आंकड़े बताए गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2020 से 21 में जीडीपी ग्रोथ रेट 6 से 6.5% के बीच रहेगी। जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर सरकार का ये अनुमान चालू वित्त वर्ष के मुकाबले 0.5% से 1% तक अधिक बताया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट के अनुमान को 5% पर रखा है। आर्थिक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक राजकोषीय ग्रोथ 5% रखने का अनुमान बताया गया है। सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2020 से 25 के बीच सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में 102 लाख करोड़ का निवेश करेगी। फिलहाल तो खबर बढ़ोतरी की है, पर आने वाले सत्र के दिनों में और क्या सौगात बजट को लेकर दी जाएगी नागरिकों को, इस पे नजर बनी रहेगी। SPN 9 न्यूज से लता की रिपोर्ट।